चाचा और सवारियां कहाँ हैं? दूसरी भी सवारी आएगी बेटा, आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। चलो, इस ऑर्डर के बहाने कुछ पैसे तो आ गए, दो चार सवारियां और मिल जाए ना तो मैं व्यास जी के लिए दवाई खरीद लूंगा। ये भोलेनाथ, बोझ ढोके थक गए हो ना तुम? अभी तो बगावत वाली मोहब्बत का बोझ जिंदगी भर उठाना है तुम्हें। रुको, वो जो ऊपर बड़े मंदिर के नजदीक दरगाह है, वहां जाने के लिए हम एक पिट्ठू ढूंढ रहे थे, तुम छोड़ दो हमें। ये जो मेहनत और मशक्कत है ना, सिर्फ दो दिन का जोश है, कमर टूट जाएगी लेकिन तुम्हारी मुश्किलात कभी खत्म नहीं होंगी। ये लो। इतने पैसे? यहाँ तक कि तो सिर्फ 100 रुपए बनते हैं ना। 100 रुपए में तुम क्या खाओगे और क्या खिलाओगे हमारी पोती को? तुमसे मिलने से पहले शहजादियों जैसी जिंदगी जीती रही है वो। आपकी पोती के लिए जितना कर पाता हूँ उतने में खुश है वो। चाहत को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत की नौबत ही क्यों लाना चाहते हो तुम? अपनी खुददारी की आड़ में हमारी पोती की जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ तुम। अगर मैंने चाहत से शादी की है तो चाहत की जिम्मेदारी उठाना भी मुझे आता है। मैं इतनी मेहनत तो कर सकता हूँ कि चाहत को 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला सकूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।